यस, देखिए तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 80 मीटर दिया गया है, तो आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस 80 दे रखी है, तो आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यस सर। नहीं, डायग्राम ही है, सॉरी। हाँ, ये देखिए, ये डायग्राम दिया गया है, इसमें आपके पास ये रेडियस दी गई है 40 मीटर। चलिए बताइए डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कितना है। सर डिस्प्लेसमेंट तो होगा 18 मीटर और डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्टेंस 18 मीटर 80 मीटर, और और डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस होगा पाई आर और आर की वैल्यू 40 है तो फिर 42। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए आपके पास में रेडियस दी गई थी 40, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से लेके बी तक में, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए 40 + 40 इक्वल टू 80। और जो डिस्टेंस बनेगी, क्योंकि ऐसे ट्रेवल करेगी बॉडी, तो डिस्टेंस बनेगी पाई आर, 2 पाई आर का हाफ, पाई आर मतलब पाई इंटू 80। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, दिस वॉज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन कॉपी में लिखिए। रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में आपको बताना है कि डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। ये डायग्राम बना हुआ है, और जाना कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और आपको बताना है कि डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो डिस्टेंस तो बहुत सिंपल है, 50 और 40 90, 90 के बाद 20, 20 इधर आए तो कितना हो गया टोटल, 110। 110 हाँ, तो डिस्टेंस हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट बताइए। अच्छा ओके सर। बोलो, तुम भी बोलो। 50 मीटर। 50 मीटर कैसे? सर 50 होगी ना डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस तो। थ्योरम लगाया, स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर उसमें हमने 900 प्लस 1600 को ऐड हाँ, किया, सही एकदम। 500 आ गया, उसका हाफ हो गया। हाँ, समझ में आया हर्षिका? यस सर आ गया। हाँ, ये 20 था, ये वाला पार्ट 30 होगा, क्योंकि 20 है तो ये 30 होगा, और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। ओके, फुल मार्क्स। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है इसको आप छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, दिस इज ड्यू, कोई काम का नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन ये। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीड, कि स्पीड क्या होती है। पढ़ो हर्षिका। द रेट द रेट एट विच डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। हाँ, द रेट एट विच डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आज तुम्हारी आवाज में दम नहीं है हर्षिका, जैसे तुम पढ़ती हो बिल्कुल स्लो मोड में हाँ आवाज सर है, गला खराब है। गला खराब है तुम्हारा। द रेट एट विच द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड CGS, और डायमेंशन होती है m0 L1 t की पावर -1। डन? यस सर डन। हाँ, नेक्स्ट, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्पीड इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई बंदा रेस्ट पे है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, जीरो। क्लियर? ये मैं स्पीड टाइम ग्राफ बना रहा हूँ, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, और यहाँ पर टाइम एक्सेस के ऊपर ये मैंने ओवरलैप कर दिया। बताओ कौन सी कंडीशन है, टाइम बढ़ रहा है बट टाइम बढ़ रहा है बट स्पीड कितनी है? सर रेस्ट की। हाँ, स्पीड जीरो है, मतलब बंदा किस पे है, रेस्ट पे है। किस पे है? रेस्ट पे है। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड है। सबसे पहले हमारे पास स्पीड जो बनती है उसका नाम है यूनिफॉर्म स्पीड, है ना? तो पहले हम पढ़ते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या हुआ करती है। देखो बेटा, यहाँ पे इस यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ देखो, पहले सेकेंड में 5 मीटर, सेकेंड सेकेंड में 10 मीटर, थर्ड सेकेंड में 15 मीटर, मतलब हर सेकेंड की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब पढ़ो,
कौन पढ़ेगा? आरुष पढ़ेगा. आरुष पढ़ो. व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एक्सेलरेशन मे बी वी परपेंडिकुलर टू ए. देखिए वो एक बात अलग है. एक्सेलरेशन मे बी व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसी स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, है ना. ऐसी स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना. अब यहाँ का एक स्पेशल केस है जो मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि यूनिफॉर्म स्पीड के केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो सकते हैं, बट फिलहाल इसको बिल्कुल ध्यान में मत दो, है ना. इसको ड्यू कर दो, इसको भी ध्यान में देने की जरूरत नहीं. आपका केवल काम यहाँ तक है कि डिस्टेंस और टाइम इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होती है, देन द स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. क्लियर. नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. पढ़िए हर्षिका, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जोर से पढ़ो. When an object covers unequal distance in equal interval of time or equal distance covered in unequal time interval. हाँ, when an object covers unequal distance in equal interval of time, मतलब equal time है मगर distances unequal है. पहले सेकेंड में 20, अगले में 30, अगले में 50, मतलब distance अलग अलग है. और दूसरा equal distance in unequal time, मतलब समझो, मतलब अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, मतलब एक मिनट में 10 मीटर, फिर अगले 2 मिनट में 10 मीटर, फिर अगले 3 मिनट में 10 मीटर. तो डिस्टेंस तो इक्वल है मगर टाइम क्या है? अनइक्वल. तो स्पीड कैसी बनेगी बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म बनेगी. बनेगी कि नहीं बनेगी? क्योंकि यूनिफॉर्म का तो एक ही क्राइटेरिया है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम. यस. तो चलिए थर्ड टाइप ऑफ स्पीड की बात करते हैं. यूनिफॉर्म देख ली, नॉन यूनिफॉर्म देख ली, थर्ड टाइप स्पीड की बात करते हैं, एवरेज स्पीड. पढ़िए हर्षिका. सर इसमें फॉर्मूला ही पढ़ना है. एवरेज स्पीड इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. हाँ, एवरेज स्पीड वी एवरेज, ठीक है ना, वेक्टर नहीं लगता इसके ऊपर क्योंकि स्पीड है, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. याद रखिएगा एस डिस्प्लेसमेंट नहीं है, टोटल क्या है? स्पीड है. सॉरी, टोटल डिस्टेंस है. टोटल क्या है? डिस्टेंस है. तो डेल्टा इज टोटल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. क्लियर हुआ ना? चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं. यस, फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है. अ कार कवर इक्वल डिस्टेंसेस v1 v2 v3 vn स्पीड रिस्पेक्टिवली. भाई आपके पास अलग अलग एक्स करके अलग अलग डिस्टेंसेस हैं और कार जो है उनको V1, V2, V3 की स्पीड से ट्रेवल करती है, तो आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है ना. तो कैसे निकालोगे भाई एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब V1, V2, V3 अप टू VN अलग अलग स्पीड हैं, तो पहला सेगमेंट की डिस्टेंस कितनी है? एक्स. अगले की कितनी है? एक्स. अगले की कितनी है? एक्स. ऐसे जो लास्ट एनवा वाला होगा उसकी भी कितनी होगी? एक्स. तो टोटल डिस्टेंस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स एन बार एक्स. एक्स कितना होगा बोलो? एन एक्स. क्योंकि दो बार एक्स कट रहते तो 2x आता, तीन बार 3x, तो एन बार करते तो क्या आता? एन एक्स. और टोटल टाइम इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn होगा कि नहीं होगा? बोलो हर्षिका जोर से, होगा कि नहीं होगा? तो टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अप टू tn ये हो गया टोटल टाइम. नाउ टाइम हो गया. अब टाइम पहला वाला कैसे निकलेगा? देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है? x. स्पीड कितनी है? v1. तो टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, x अपॉन v1. सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा? x अपॉन v2. थर्ड वाले में x अपॉन v3. सो टोटल ऐड कर दोगे तो एक्स कॉमन आ जाएगा, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/vn. नाउ एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी है? nx. और टोटल टाइम कितना आ चुका है? एक्स मल्टीप्लाई बाई 1/v1 प्लस 1/v2 .. 1/vn. क्लियर. तो nx से x से x क्या हो गया? कैंसिल. आंसर एवरेज स्पीड इक्वल्स टू ये बन गई. क्लियर है? यस सर. हाँ,
अब इसका स्पेशल केस है ये कि अगर इसमें टू पार्ट हो, एन इक्वल टू टू, ये देखिए एन इक्वल टू टू मतलब दो वेलोसिटी हो, एक वी वन और एक वी टू, तो फॉर्मूले में एन की जगह क्या पुट कर दीजिए, टू, और नीचे वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू, तो आंसर आ जाएगा टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू. डन? यस सर. गुड. अगर एन इक्वल टू थ्री मतलब थ्री पार्ट है, तो यहाँ पे एन की जगह कितना आ जाएगा, थ्री, और वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू प्लस वन अपॉन वी थ्री. क्लियर है? यस सर. ओके, तो मुझे बताओ हर्षिका, क्या ये चीज सही लिखी हुई है? बिल्कुल गलत लिखी हुई है. गलत है सर, गलत है. हाँ, एलसीएम गलत लिखा हुआ है नीचे का. थ्री वी वन वी टू वी थ्री ऊपर तो आ जाएगा, बट नीचे जो एलसीएम है वो ये नहीं आएगा, है ना. नीचे वन वन का दो दो के जोड़े बनेंगे, वी वन जाएगा तो वी टू वी थ्री, मतलब एक ऐसा बनेगा, थ्री जगह ही नहीं यहाँ पे, अलग से समझा लेता हूँ. हाँ, तो ये कैसा बनेगा देखो बेटा, ये बनेगा थ्री वी वन वी टू वी थ्री डिवाइड बाई वी वन जाएगा वी टू वी थ्री प्लस वी टू हट गया तो वी वन वी थ्री प्लस वी थ्री गया तो वी वन वी टू, ऐसा बनेगा. क्लियर? समझ में आया? नहीं आया? हाँ, तो ये यहाँ पे मिस प्रिंट लिखी हुई है ना. चलिए अगला क्वेश्चन. पढ़ो हर्षिका. अ कार ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन वन डायरेक्शन कवर्स डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल v1 v2 v3 respectively, find average. हाँ, अब देखिए पिछले बार आपको क्या था, आपको पिछले बार में डिस्टेंस के इंटरवल सेम दिए थे, अब इस बार टाइम दिया है कि सेम टाइम. देखो पिछले बार आपको दे रहा था x x x x, मतलब x पार्ट की वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी v1 थी, अब इस बार कह रहा है कि टाइम t है और वेलोसिटी v1 है. ये देखो. यस सर. हाँ, ये देखिए, अ कार ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन वन डायरेक्शन कवर्स डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल विद स्पीड वी वन वी टू वी थ्री. तो भैया वी वन इंटरवल, वी वन स्पीड से टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट कितनी मान लो एक्स वन, वी टू स्पीड से टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट कितनी एक्स टू, तो सबने मान लिया टोटल वी एन है, टाइम टी डिस्प्लेसमेंट एक्स एन, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल डिस्टेंस विल बी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बोल गया, स्पीड निकालने तो डिस्टेंस चलेगी, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अप टू एक्स एन. एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंटू टाइम, वी वन इंटू टी, वी वन इंटू, तो वी वन टी प्लस वी टू टी प्लस वी थ्री टी प्लस वी एन टी होगा कि नहीं होगा, होगा. और टोटल टाइम टी प्लस टी कितना हो गया, एन टी. एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो वी वन टी प्लस वी टू प्लस टी कॉमन ले लिया, तो ऊपर से टी कॉमन आके वी वन प्लस वी टू प्लस वी एन, और नीचे कितना एन टी, टी से टी कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया ये. क्लियर है? बोलो हर्षिका. वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी एन अप टू वी एन डिवाइड बाई एन, ये बन जाएगी एवरेज स्पीड. कब, जब इक्वल टाइम इंटरवल दिया गया हो. अगर दो इंटरवल हैं एन इक्वल टू टू के लिए, तो एवरेज स्पीड क्या बनेगी, वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाई टू, आगे नहीं जाएगा, क्या बनेगा, वी वन प्लस वी टू डिवाइड बाई टू. ठीक है ना, अगर सेम टाइम में एक बार स्पीड वी वन है और अगले सेम टाइम इंटरवल में स्पीड वी टू है, तो एवरेज स्पीड बनेगी वी वन प्लस वी टू बाई टू, और एन इक्वल टू थ्री के लिए क्या बनेगी, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री अपॉन थ्री. डन? यस, रिप्लाई करो बेटा. अगला क्वेश्चन देखिए. अब ये क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है. हाँ, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, अकार कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 10 मीटर पर सेकेंड एंड द सेकेंड हाफ डिस्टेंस विद ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एवरेज स्पीड. देखो बेटा, फर्स्ट हाफ मतलब ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, और एक की स्पीड 10 है और एक की स्पीड क्या है
20, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था इक्वल डिस्टेंस के लिए, 2v1v2 upon v1 plus v2, ये सुनो बस तो लगा दो फॉर्मूला, 2v1v2 upon v1 plus v2, अप्लाई कर दिया, सॉल्व हो गया, ठीक है, डन ना, क्लियर बन जाएगा ना। अब दो हो तीन हो फॉर्मूला बस यही लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कार फर्स्ट हाफ टाइम, अब देखो टाइम को हाफ किया है, पिछले बार किसको हाफ किया था, डिस्टेंस को, इस बार किसको हाफ किया है, टाइम को, कार को क्यों हाफ करेगा, है ना, टाइम को हाफ कर दिया। तो टाइम को हाफ करने के बाद पहली स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड स्पीड कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है एवरेज स्पीड निकालो, तो बताया था मैंने क्या होता है v1 plus v2 upon 2, तो 2 plus 6 upon 2 यानी 8/2, 4 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, डन, ओके। अगला जी, रजनीकांत जी वॉकिंग फ्रॉम होम टू ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ 3300 मीटर पर सेकेंड, फ्रॉम ऑफिस टू होम ऑन द सेम पाथ 400 मीटर पर सेकेंड, फाइंड हिज एवरेज स्पीड, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2v1v2 upon v1 plus v2, क्योंकि पाथ सेम है, पाथ सेम है, तो 2v1v2 upon v1 plus v2, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2v1 है 300, v2 है 400 अपॉन v1 प्लस v2 700, क्लियर, सेम क्वेश्चन है। हर्षिका, रिप्लाई करो जोर से, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर मेरा नेट आज, मेरा वाईफाई बहुत परेशान कर रहा है, मैं क्या करूं, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही है क्लास। हाँ okay, सर, वही एवरेज स्पीड के क्वेश्चन है, 2v1v2 upon v1 plus v2 जो हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। यस सर, डन, यस सर, डन, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको ड्यू कर दो, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये भी ड्यू कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद 20 मीटर पर सेकेंड एंड रिमेनिंग हाफ इन टू इक्वल टाइम इंटरवल विद स्पीड 11.5 मीटर पर सेकेंड एंड 16.5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, फाइंड एवरेज स्पीड। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक कार है वो अपनी आधी जर्नी को 20 मीटर पर सेकेंड की रेट से चलती है, और जो आधी जर्नी बची हुई है उसको इक्वल टाइम इंटरवल में जाती है, पहला हाफ टाइम इंटरवल जो है वो 11.5 मीटर पर सेकेंड और दूसरा जो है वो 16.5 मीटर पर सेकेंड से चलती है, क्लियर। आपको yes, निकालनी है एवरेज स्पीड क्या होगी, आपको निकालनी है एवरेज स्पीड क्या होगी, कैसे करेंगे बच्चे, देखो बेटा क्वेश्चन समझो। पहले ये है कि आपके पास एक कार है, वो मान लीजिए 3 स्टेशन पे चलती है, पी से लेके क्यू और क्यू से लेके आर, तो आधी जो डिस्टेंस है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, आधी जर्नी, मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो एक्स तक की जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से ट्रेवल करती है, 20 किलोमीटर पर आवर, ये लिखा हुआ है, सॉरी किलोमीटर पर आवर नहीं है, मीटर पर सेकेंड है। चलो करते हैं, तो 20 मीटर पर सेकेंड से ही चलती है। अब जो बाकी जो बची हुई है डिस्टेंस, उसमें इक्वल इक्वल टाइम में दो स्पीड ट्रेवल करती है, 11.5 और 16.5, ये एक में आधे में 11.5 और 16.5 ये ट्रेवल करती आधे आधे में, तो फिर कैसे करोगे इसको। सबसे पहले आप आधे आधे की एवरेज स्पीड निकाल लो इसकी पूरे की, तो क्या हो जाएगा 11.5 प्लस 16.5 अपॉन 2, क्योंकि जहां पे टाइम इक्वल इक्वल बढ़ता है वहां पे फॉर्मूला क्या लगता है, यू प्लस वी बाई टू, ये वी वन प्लस वी टू बाई टू जो सिखाया था, तो यहां पे जो टाइम आधा आधा बढ़ रहा है, टी टाइम, तो कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड 11.5 प्लस 16.5 अपॉन 2, सॉल्व करके कितना आ गया 14 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब पूरे रास्ते को देखो, तो P से लेकर के Q तक की स्पीड क्या बन रही है 20 मीटर पर सेकेंड, और Q से लेकर के R तक की स्पीड क्या बन रही है 14 मीटर पर सेकेंड, ये सुनो। और कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा इक्वल डिस्टेंस वाला, क्या होता है 2v1v2 upon v1 plus v2,
वी टू, तो सॉल्व कर लीजिए ये आ जाएगा वी टू। डन, पक्का? यस सर, यस सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा हर्षिका, ठीक है ना। इसमें दोनों फॉर्मूले लगे हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता है, वो वाला भी कंसेप्ट लग गया है, और डिस्टेंस सॉरी और टाइम बढ़ता है वो भी कंसेप्ट लग गया, ठीक है ना। यस सर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को न्यूमेरिकल बना दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए ट्रक कवर्स 1/3 ऑफ द जर्नी विद स्पीड वी वन एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड वी टू, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रक। चलो तो बहुत ही yes, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल कंसेप्ट इसमें लगा दीजिए। ए ट्रक कवर्स 1/3 डिस्टेंस ऑफ इट्स जर्नी विद ए स्पीड वी वन। तो ये देखिए, मान लो टोटल डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। अब एक्स का 1/3 मतलब एक्स बाई थ्री किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, वी वन से ट्रेवल कर रहा है, और 1/3 एक्स, 1/3 एक्स कट गया तो बाकी डिस्टेंस कितनी बची, 2/3 बची कि नहीं बची। भाई एक्स बाई थ्री है, एक्स बाई थ्री में बाकी कितनी बच गई, 2/3 एक्स। बिकॉज कैसे निकाल लोगे, ऐसे निकाल लेना, एक्स माइनस एक्स बाई थ्री इक्वल टू हो गया कितना, 2x/3, ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। यस सर, ये है। तो बाकी की रिमेनिंग 2x/3 किस स्पीड से चलता है, v2 से चलता है। ओके सो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया, x। नाउ टोटल टाइम इज इक्वल टू, टाइम पहला हो गया क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x/3/v1, और दूसरा t2 2x/3 अपॉन कितना, v2। x कॉमन ले लिया, सो 1/3v1 प्लस 2/3v2 हो गया, ये x बाहर आ गया, 3v1v2, और इधर कितना आ गया, v2 प्लस 2v1। क्लियर है? सो एवरेज स्पीड x से x कैंसिल हो गया, 3v1v2 अपॉन v2 प्लस 2v1, ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड, ठीक है। क्लियर yes, हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ सर हो गया। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, इसको सबको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास में हाफ ऑफ 1/3 x 1/3 x 1/3 x आपको वेलोसिटी दी गई है कितनी, v1 v2 v3। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, कहाँ निकलवाया था, ये देखो यहाँ निकलवाया था, यस और नो, यस सर, याद है? तो ये मैंने कहा था नहीं गलत है, तो ये वाला सही वाला फॉर्मूला है। अगर 1/3 डिस्टेंस को विद स्पीड ऑफ v1 v2 v3 अलग अलग अगर आप कवर कर रहे हो तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है भाई। Yes, sir. चलिए चलो देखो एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि 1/3 ऑफ द डिस्टेंस v1 से कवर करता है और 2/3 ऑफ द डिस्टेंस v2 से कवर करता है, ठीक है। यस सर। हाँ मतलब डिस्प्लेसमेंट के टुकड़े अलग अलग हैं, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस v1 से और 2/3 ऑफ द डिस्टेंस v2 से। तो ऐसे लिख लिया करो जैसे यहां पर लिखा हुआ है। यस सर। देखो 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद v1 एंड 2/3 ऑफ द डिस्टेंस विद कितना, v2। क्लियर? v2 यस सर। तो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको साथ में रखो, 3v1 v2। क्लियर? यस सर। और ये चला जाएगा 2v1 और ये चला जाएगा v2, तो आ जाएगा कितना, v2 प्लस 2v1, ठीक। यस सर। ये बन गई क्या एवरेज स्पीड। ओके यस सर। अगला देखो, अगर 1/5 डिस्प्लेसमेंट विद स्पीड v1 और 4/5 विद कितना, v2। स्पीड v2। बोलो हाँ। तो एवरेज स्पीड yes, कितनी बनेगी, ऊपर कितना आएगा, नीचे वाला पार्ट 5v1 v2। हाँ बोलो हाँ। हाँ सर।
अब वी वन के साथ फोर चला जाएगा, यानी फोर वी वन प्लस कितना वी टू, है ना मजेदार ट्रिक। हाँ सर। हाँ, तो इससे आप जो है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बना सकते हो। यस, नोट कर लो। डन। नो सर, एक मिनट। नहीं किया नोट? नहीं सर, एक मिनट करो। करो करो। दिखाइए तो वो स्क्रीन। हाँ बेटा, जिससे नोट करना है वो स्क्रीन तो दिखाइए। अच्छा, ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे भी, और ये वाली लो। चल ये वाली। हाँ यस सर। ओके गुड। चलिए अब बेटा आती है अपनी वेलोसिटी। चलो पढ़ो, वेलोसिटी क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डाइमेंशंस इसकी है m0 l1 t-1। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पॉजिटिव वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पॉजिटिव वेक्टर, नहीं एक्चुअली पोजिशन वेक्टर होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली जो वेलोसिटी होती है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बनती है। सो यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कर लो। सो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? Yes, it is a vector quantity, so it can be positive, negative or zero. Yes, sir. चलो, next uniform velocity पढ़िए। If magnitude and direction of velocity does not change in given time, then it is known as uniform velocity. Two things are there. Acceleration is to define a velocity. That is, one is magnitude and another is direction. So keep in mind when you're talking about the uniform velocity. Those two will not be changed, okay? And magnitude and direction, clear? Yes, sir. And during uniform velocity, acceleration will be equal to zero. ठीक है? Yes, sir. It is only possible when particle object performing straight line motion in one direction with constant speed. Because speed constant है और direction fix है, मतलब velocity constant होगी और acceleration zero होगा. Done. Yes. 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 Non uniform velocity. पढ़ो. If magnitude or direction or both changes in given time interval. Yes. If magnitude or direction both changes, या तो magnitude बदले, या direction बदले, या दोनों बदले, that time non uniform velocity होती है. और non uniform velocity के case में हम निकालते हैं कौन सी velocity? Average velocity. पढ़ो average velocity. Yes sir, total displacement upon total time taken. Yes, average velocity is equal to total displacement upon total time taken. लिखा जाता है delta S complete upon delta T. बन जाएगा. Sir, total time taken को delta T क्यों लिखते हैं? हाँ, delta T लिखते हैं क्योंकि total time taken बेटा T2 minus T1 आ जाएगा ना interval से. अच्छा, अगर दो इंटरवल की बात कर रहे हो, नहीं तो नीचे T1 प्लस T2 कर देना अगर अलग अलग हो तो. क्वेश्चन देख करके सिचुएशन बन जाएगी. ठीक है? यस सर. ध्यान रखना, मैंने यहाँ वेक्टर लगाया एवरेज वेलोसिटी. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी? सर, एवरेज वेलोसिटी की वाई डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यस सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन. ठीक? यस सर. क्योंकि ये सर तो डिस्प्लेसमेंट की तो एक ही डायरेक्शन होती है ना, तो चाहे टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट, तो वही प्रोवाइड करेगा ना. एक्चुअली फॉर्मूले में देखो वेलोसिटी को वेक्टर देने वाला कौन है? नेट डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट, हां. नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब चाहे कितने भी, वो पढ़ा होगा ना पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर,
कितने भी वेक्टर हो, फाइनली इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट को जोड़ दो। क्लियर? यस सर। चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। आकार, आकार कवर्स 2 मिनट नॉर्थ डायरेक्शन इन 2 सेकंड एंड देन 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट इन 3 सेकंड। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। हाँ, आकार कवर्स 2 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन इन 2 सेकंड देन 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट इन 3 सेकंड। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब बेटा एवरेज स्पीड की बात करोगे तो एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस टोटल कितनी है देखो, 2 मीटर ऊपर और 5 मीटर इधर, तो 5 और 2 7, तो 7 मीटर हो गया। और टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड 5 सेकेंड। तो टोटल स्पीड हो गई, एवरेज स्पीड हो गई 7/5। बोलो यस और नो। यस सर। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो देखो नॉर्थ में चला है 2 मीटर, नॉर्थ में 2 मीटर एंड देन इसके बाद ईस्ट में चल गया है 5 मीटर। तो यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे, अंडर रूट 29 आएगी कि नहीं आएगी? ओके सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगी तो बेटा मैग्नीट्यूड आ रहा है डिस्प्लेसमेंट का अंडर रूट 29 और टाइम है 5, सो बन गया रूट 29/5 मीटर पर सेकेंड। बोलो यस कि नो। बट यदि वेलोसिटी की बात करोगी तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेक्टर फॉर्म में 2j कैप क्योंकि अपवर्ड है और नॉर्थ साइड में, और 5i कैप, 2j कैप प्लस 5i कैप अपॉन 5। क्लियर? तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, और ये क्या है उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर? मैग्नीट्यूड। यस सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो हाँ अगला क्वेश्चन राइट साइड वाला पढ़ो हर्षिका। लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड फॉर हाफ राउंड। फॉर हाफ राउंड, हाफ राउंड के लिए मतलब कि मिनट का जो हैंड है वो चल करके यहाँ से यहाँ आ रहा है, आपको बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी या एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस और नो? यस सर। डिस्टेंस इक्वल टू कितनी हो जाएगी, पाई आर, तो आर कितना है 7, तो 7 पाई अपॉन कितना लगेगा बेटा मिनट हैंड को, इधर से आधा चलने में 30 मिनट क्योंकि 1 आवर में कंप्लीट कर लेता है, तो 7 पाई अपॉन 30। डन? यस सर। नाउ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी द डायमीटर एंड डायमीटर इज इक्वल टू 2 आर, तो 2 × 7 = 14, 14/30 और 7/15 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर? यस सर। याद रखना यहाँ पे अपन ने मिनट में लिया है, सेकंड में नहीं बदला है। यस सर। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। चलिए नेक्स्ट बढ़ो अगला। आकार इज मूविंग, आकार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 14 मीटर, फाइंड द एवरेज स्पीड एट। बेटा माइक के पास में आके बोलो प्लीज। आकार इज मूविंग, आकार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 14 मीटर, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी व्हेन फर्स्ट इट कवर्स हाफ राउंड, सेकंड इट कवर्स 2 राउंड्स, ओके, एंड टाइम टेकन इन 1 राउंड मोशन इज 10 सेकंड। 10 सेकंड, ठीक है। 10 सेकंड में टाइम लगता है 1 राउंड कंप्लीट करने में, तो हाफ राउंड में कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड, है ना जी? टाइम टेकन इन 1 राउंड मोशन इज 10 सेकंड, तो हाफ राउंड कवर करने में कितना लगेगा, 5 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा? 5 सेकंड। हाँ सर। 5 सेकंड, बिल्कुल सही है। अब पहला कह रहा है इट कवर्स हाफ राउंड, तो हाफ राउंड के लिए हमको क्या निकालनी है, इसको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड भी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। तो नंबर 1 पे मैं निकालता हूँ एवरेज वेलोसिटी हाफ राउंड के लिए,
एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना होगा देखो, हाफ राउंड का इतना पाई आर, तो पाई मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन टाइम। हाँ टाइम बताओ, 10 सेकेंड सही लिखा कि गलत लिखा है? सर गलत लिखा, गलत लिखा है। यहाँ पे कितना होगा? 5 सेकेंड होगा। 5 ओके, तो 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक ना? तो 7 से काट देंगे दो बार, yes, तो 22 गुणे 2 44 बटे 5। हाँ आंसर सही लिखा है, बट मैं यहाँ पे मेथड गलत कर दी थी। क्लियर है? यस सर। नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा? 2r, 24 का डबल 28 अपॉन टाइम कितना है वही, यस सर, है ना 5 सेकंड। 15 आएगा कि 5 आएगा बताओ? 5 सेकंड। हाँ 5 आएगा बेटा, तो 28 अपॉन 5 और करा सॉल्व है, सही है बेटा, 5.6 सही है, ठीक है। नाउ वेलोसिटी की बात करते हैं। यस सर। इट कवर्स 2 राउंड, अब 2 राउंड कवर करने के बाद एवरेज स्पीड इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, और टोटल टाइम हो जाएगी कितनी? 20 सेकेंड, 4 पाई आर अपॉन 20 सही है बिल्कुल, 176 अपॉन 20 बिल्कुल सही है। और वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी बिकॉज नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यस कि नो? हाँ सर। ओके डन। चलिए नाउ वी टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी पढ़ो बेटा। वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यहाँ बेटा डेल्टा टी है वेलोसिटी के लिए, डेल्टा टी टेंस टू जीरो एंड डी एक्स डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, मतलब एवरेज वेलोसिटी को टाइम जीरो में सब्जेक्ट कर देते हैं तो बन जाती है ये डी एक्स बाई डी टी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? यस सर। सो यहाँ पर ये आपकी शीट पूरी होती है। क्लियर? और एक चीज याद रखिएगा, हो गई कंप्लीट। डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंटीग्रल टू पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये कुछ भी दे रखा है, बिल्कुल यूजलेस है ये। डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं है, गलत लिखा हुआ है। हाँ ये समझ में आ गया ना बाकी की चीजें? हाँ सर। ओके डन। एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो जिस समय पार्टिकल मूव कर रहा होता है उसकी टेंजेंट से दी जाती है, ठीक? हाँ वही ना, टेंजेंट से। यस सर। जैसे बारिश में कोई गाड़ी चल रही होती है तो उसमें जो छींटे उछल रहे होते हैं तो देखे होंगे चके से लग करके छींटे उछलते हैं जिस, yes, है ना ऐसे, तो मतलब उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचोगे तब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन पता चलेगी। ये बनाया मैंने, yes, चक्का अगर घूम रहा है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। क्लियर है? यस सर। ओके, तो कुल मिला के ये शीट बेटा हमारी पूरी हो चुकी है। अब हर्षिका आपको करना है एक शीट और जो बची हुई है हमारी, वो काली ब्लैक वाली शीट। ब्लैक वाली शीट मेरी ऑफलाइन क्लास में भी चल रही है और अब तसली से पूरे मन लगा के उस शीट को पूरा करो, तो ब्लैक वाली शीट अपन पूरी करने जाएंगे, ठीक है? वो 219 पेज वाली ना? हाँ ओके, ये वाली। सर मेरा अगले संडे को टेस्ट है। किस सब्जेक्ट का? सभी सब्जेक्ट का। हाँ तो तुम अपनी पढ़ाई चलते रहो ना, मैं तो आराम आराम से पढ़ाई कराता हूँ।